अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में। और प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी इसको कहा जाता है। ओके जी। और ये बहुत कम डिस्कस की जाती है वैसे तो। और ये जो है, हम क्या कह रहे हैं कि इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। बाकी की हमें पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज होती हैं, ठीक है जी। बाकी की तो तीनों हैं। और यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्लाज्मा को सबसे पहले जो है किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, इंग्लिश साइंटिस्ट को इंट्रोड्यूस कराया था, विलियम क्रुक्स ने। विलियम क्रुक्स साहब थे हमारे, क्रुक्स ने 1879 के अंदर प्लाज्मा को इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश साइंटिस्ट ने। और उसके अलावा हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 99% जितना भी हमारे इर्द गिर्द मैटर मौजूद है, जितना भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी मौजूद है, 99% विजिबल यूनिवर्स में वो प्लाज्मा ही है। विजिबल यूनिवर्स यानी कि जो आपके पास सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, सारा कुछ, उसका 99% जो है वो प्लाज्मा बनाता है। ओके जी। 99% जो है वो ये हमारा प्लाज्मा बना रहा है। उसके अलावा इन्वेंटर्स का ये कहना है कि हम प्लाज्मा को इस्तेमाल करके तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं नियॉन साइंस के अंदर, ठीक है जी। नियॉन साइंस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन्वेंटर्स का यह मानना है कि नियॉन साइंस में जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करवाते हैं वो इसी से प्लाज्मा को यूज़ करके हम करते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिफाई, जो आर्टिफिशियल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं, उसमें प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है। और तकरीबन हमारे इर्द गिर्द जितना भी स्पेस है उसमें प्लाज्मा ऑक्यूपाइड है, प्लाज्मा मौजूद है, ठीक है जी। ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लाज्मा का। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज प्लाज्मा, तो आपको इसके बारे में अगर इतना भी पता है तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और वैसे भी इंटरेस्ट बेस पर अगर देखें तो यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना किसको नहीं पसंद, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो हमने प्लाज्मा स्टेट को स्टडी कर लिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इसकी फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है कि प्लाज्मा बनता कैसे है, हमें ये तो पता चल गई थी। प्लाज्मा जो है वो इसने साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया विलियम क्रुक्स ने। और उसके अलावा 99% हमारे इर्द गिर्द मौजूद भी है यूनिवर्स में। और उसके अलावा ये बहुत कम पाया जाता है अर्थ पर, बहुत कम पाया जाता है। और जितना भी यूनिवर्स है हमारा उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है जी। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन को स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन को अगर देखा जाए, वो कहता है कि जब भी मैटर को बहुत ज़्यादा हीट अप किया जाता है, और आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एंड ऑल, तो जब भी आप किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा हीट अप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गैस है, ठीक है, आपने उसको बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया है, और गैस को जब आपने इतना ज़्यादा हीट अप कर दिया, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि उसमें एटम्स होते हैं, इतनी ज़्यादा हीट की वजह से जो एटम्स होते हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल सकते हैं, ठीक है, वो जा सकते हैं निकल के, ठीक है। और इस तरह से इन एटम्स के ऊपर क्या बन सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके अलावा इतनी ज़्यादा हीटअप की वजह से अब कुछ जो कुछ इसमें से जो एटम्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लेंगे और नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो एटम्स हैं इनके, इस मैटर के जो भी आप गैस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके सारे के सारे पॉजिटिव में भी नहीं कन्वर्ट होते, सारे के सारे नेगेटिव में भी नहीं कन्वर्ट होते, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ जो हैं वो आपके एटम्स की फॉर्म में ही रह सकते हैं, कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो मिक्सचर ऑफ आयंस है, जिसमें ये आपके पास जो मिक्सचर ऑफ आयंस है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और एटम्स हैं, ये सारे के सारे मिलके इस मिक्सचर ऑफ आयंस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, ठीक है जी। इसको आप लोग क्या कहते हो, मिक्सचर ऑफ एटम्स, मिक्सचर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, और इसको आप लोग क्या कहते हो, प्लाज्मा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे पास ये गैस ही, ठीक है, और इसमें से पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, उसके अलावा एटम्स भी हैं, ठीक है, और आयंस भी हैं, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे का सारा क्या है, प्लाज्मा है। उसके बाद वो कहते हैं कि प्लाज्मा डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ठीक है जी, वेरी यूजफुल एंड हार्ड, ये बहुत ऐसा मटीरियल ये बना सकता है प्लाज्मा के जिसको हम, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो होता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो यहाँ पर कहते हैं कि प्लाज्मा, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना और जो बिहेवियर होता है,
इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि इसमें नंबर सफिशिएंट टू अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, न्यूट्रल भी एंड ऑल दैट। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारे पास इसकी फॉर्मेशन। हीटिंग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस बनते हैं, एटम्स बनते हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा उसका मिक्सचर प्लाज्मा होता है, सही है। और इसका वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल चार्जेस हैं जिसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। दो तरह का प्लाज्मा होता है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशियल बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। तो नेचुरल प्लाज्मा कैसे है और आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैसे है, डिफरेंस उनमें क्या है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा मैंने अभी आपको बताया कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा हीटअप करते हो, ठीक है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा गैस की आयनाइजेशन से बन सकता है। ठीक है, और नियोन गैस, नियोन साइंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लो टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसके बाद भी कहते हैं कि हिट मेक्स दिस मटीरियल वेरी यूजफुल एंड हार्ड टू यूज़। और वही बात आ गई आर्टिफिशियल प्लाज्मा, जो अभी मैंने आपको फॉर्मेशन में बताया कि बनता कैसे है। ठीक है, तो ये जब आप किसी भी गैस को हीट करते हैं उसकी आयनाइजेशन हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस बन जाते हैं, एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा जो मिक्सचर है वो आपके पास प्लाज्मा होता है, और ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। ठीक है, उसको न्यून साइंस में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो के आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, फ्लोरेसेंट बल्ब्स वगैरह होते हैं, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इवन के अगर आप देखो आपकी जो इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स हैं जो आप लोग घरों में चलाते हो या बल्ब चलाते हो, उसमें भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है, और तभी वो चल रही होती है ना। ठीक है, उसमें क्योंकि चार्जेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप स्विच ऑन करोगे तो वो आपको लाइट देना स्टार्ट कर देगी। सही हो गया। और उसके अलावा फिर हम यहाँ पे क्या है, नेचुरल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा की अगर बात करें तो नेचुरल प्लाज्मा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वोल्केनो होता है। वोल्केनो यानी कि जो लावा फटता है एकदम से पहाड़ी इलाकों में, यहाँ बहुत ज़्यादा हीटेड जगह पे, तो वहाँ पे जब लावा फूटता है तो उसमें से इतना ज़्यादा जो है वो लिक्विड, गर्म लिक्विड बाहर निकल रहा होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोड्यूस होती है ना मटेरियल, उसको भी आप प्लाज्मा कह सकते हो। और हाई टेम्परेचर पे ही ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि लो टेम्परेचर भी आपका जो नेचुरल प्लाज्मा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बहुत हाई टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप प्लाज्मा के एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर होंगे तो वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बन जाएंगे, और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर जैसे कि 2000 डिग्री सेल्सियस आप अप्लाई करो तो हाइड्रोजन एटॉमिक बन जाएगी, और उससे भी ज़्यादा यानी कि 1 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करो तो आपके पास जो आयन इलेक्ट्रॉन्स ये बन जाएंगे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस करोगे तो आपके पास जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर उसके अलावा आपके पास जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस पर आपके पास जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन बनना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर 1 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस पर आयंस वगैरह, आयंस इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रोटॉन्स वगैरह होंगे वो बनेंगे। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, बनता कैसे है, और डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लाज्मा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। फिर भी कोई आपको पॉइंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो उसको रिमाइंड करके देख लो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स के साथ। थैंक यू।